আমার নাম বিকাশ দেবর্মা আমি ত্রিপুরা মঠের একজন ওয়ারিয়র আপনার मैं नंटू देववर्मा मैं तिपरासा हूँ मेरा आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तिपरासा हूँ त्रिपुरा का हूँ यही मेरा परिचय है मैं एक वॉरियर हूँ त्रिपुरा मत से अच्छा आज के जे আপনাদের বন ডেকে ছিলেন এর মূল কারণটা কি আমাদের মূল কারণ তো আপনারা জানেন নাই আমাদের মহারাজও প্রেসেন্ট করে দিয়েছে আমাদের মেন কারণটা হলো আমাদের ডিমান্ড গ্রেটার চুরালেন এটার জন্যই আমাদের আজকের 12 ঘন্টা বন এই বন আপনাদের কতটুকু সাকসেসফুল মনে করছেন আমাদের বন এখন পর্যন্ত এখন তো হাফ হয়েছে আমাদের 12 ঘন্টার বন আর 6 ঘন্টা আছে তো আমাদের আপাতত সাকসেসফুল আপনারা এই যে আমাদের হেজামারা বা এই যে কয় গামি রোড যেটা আগরতলা থেকে আসছে আপনারা কত কয়টা জায়গাতে অবরোধ করছেন আমাদের এখানে ডেমোসারা আছে আমাদের হেজামারা আছে কয় কবসমনি হেজামারা আর আসাম থেকে আসরামবাড়ি আছে কয়টা সেটা কি সারা ত্রিপুরায় চলছে সারা ত্রিপুরাতে এডিসি এরিয়া বন্ধ আজকে 12 ঘন্টা শুধু এডিসি এরিয়া যদি আপনাদের দাবি না মানা হয় তাহলে আপনারা কি করবেন পরবর্তী পদক্ষেপ কি হতে পারে পরবর্তী পদক্ষেপ আমাদের মহারাজ নেবেন মহারাজ যা ডিসিশন নেবেন আমরা সেটাই করব এই পর্যন্ত এখন কি আপনাদের উপরস্থলে সরকারি আধিকারিক কেউ এসেছিল সরকারি আধিকারিক এসএসসি না আধিকারিক তো কেউ আসেনি এখানে আসেনি এখন পর্যন্ত আসেনি এখন পর্যন্ত আসেনি তাহলে তো আপনারা বন চালিয়ে যেতে হবে যেহেতু এখন পর্যন্ত আমরা কথা বলি আমরা বন চালিয়ে যাব আমাদের যতটুকু আমাদের সময় দেওয়া আছে সেই সময় পর্যন্ত আমরা বন চালিয়ে যাব হ্যাঁ বলি আপ লোক আজ যে ইদর মে কর্মসূচি হো রহা হ্যায় জো স্ট্রাইক উসকে লিয়ে কুছ বলিয়ে কিস লিয়ে আপ লোক অবরোধ কিয়া হুয়া হ্যায় রোড নম্বর ওয়ান ডিমান্ড তো এক হি হ্যায় গ্রেটার ত্রিপুরা यही एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो सॉल्यूशन यही से हमको मिल सकता है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन ही ये ग्रेटर त्रिपुरा का डिमांड आता है तो कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन हमारा प्रधानमंत्री जी हम मैसेज देना चाहते हैं आपको कि त्रिपुरा में जो हालत है यहाँ के लोग यहाँ के जो जनजाति आप लोग हम लोग को बुलाते हैं जनजाति कोई बुलाते हैं उपजाति कोई कुछ भी बुला लेते हैं तो हम लोग सब तो एक्सेप्ट कर ही लिया है लेकिन बात यह है कि जितना भी TTADC एरिया और जितना भी तिपरासा लोग है और तिपरासा लोगों के मतलब अपार्ट फ्रॉम आवर तिपरासा पीपल ऑल्सो देर आर सो मैनी कम्युनिटीज जो हम लोगों के सपोर्ट में है जो लोग परसेंटेज में कम है जो लोग क्या कहते हैं उसको धार्मिक से संख्यालघु है या फिर आप बोल सकते हैं कि संख्यालघु जो लोग रह रहे हैं त्रिपुरा में सिर्फ तिपरासा नहीं है उन लोगों के लिए भी सभी लोगों के लिए ये डिमांड बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आप लोग देखिएगा बहुत पहले भी हमारा जो महाराज जी उन्होंने मैसेज की है और तिपरासा लोगों के जितना भी लीडर्स हैं जितना भी लोगों की ये डिमांड है ये मांग की है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक ही कारण है कि हम लोग अभी भी उस स्टेटस में उस जो जाति कहलाने में उतना तक हम लोग नहीं जा पाए हैं इतना शोषण में रह रहे हैं आप लोग विश्वास नहीं करेंगे यहाँ से आधा किलोमीटर जाइएगा जो जितना भी TTADC नॉन ADC एरिया है वहाँ पर जाइएगा और देखिएगा कि वहाँ पर क्या है रास्ता का मतलब क्या हालत है तो ये तो एक तरह का सिर्फ रास्ता नहीं है मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ और भी है और ये जो रास्ता है वहाँ से शुरू करेंगे तो आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली वो रास्ता के लिए इतना खराब है साइकिल रिक्शा छोड़िएगा आदमी चलना ही मुश्किल है एक दूसरा जो पावर है इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अगर हम लोगों के पास नहीं दिया जाएगा जो यहाँ का आदिवासी मतलब हम लोग
इंडिजिनस पीपल के पास अगर पावर नहीं देंगे, यहाँ का लोगों को सबसे सबसे ज़्यादा कौन समझेगा? यहाँ का जो इंडिजिनस पीपल वो लोग समझेंगे, क्योंकि उनका मिट्टी है, उनका ज़मीन है, खुद का है, वो लोग समझेंगे प्रॉब्लम कहाँ है। तो उन लोगों को अगर पावर दिया जाएगा तो क्या होगा, तो वो लोग वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो रास्ता एक है, दूसरी है पानी, तीसरा है जो डेंगू मलेरिया जितना भी हो रहा है, आप मान लीजिएगा जो पेट का क्या कहते हैं उसे डायरिया से मर रहे हैं, हर वर्ष मरते हैं हमारे यहाँ गांव में ये पहाड़ियों में जो लोग रहते हैं। और उसके बाद ये मेडिकल का तो नाम ही मत लीजिएगा, इतना ख़राब है। और भी जैसे कि एजुकेशन में, आप कुछ दिन पहले ही क्या वो लैंग्वेज के लिए जो लड़ाई हुई थी, हमारा लैंग्वेज है, खुद का लैंग्वेज है, आप ही बताइएगा मदर टंग किसे कहते हैं। माँ के पेट से बाहर आने के बाद हम लोग जो भी माँ के मुंह से सुनते हैं और सुनने के बाद हम लोग जो भी सीखते हैं, जिस बात से हम लोग दूर मांगने सीखते हैं, वही तो मदर टंग है कि नहीं। तो हमारा मदर टंग के लिए हम लोग जो भी हमारा कॉकब्रो को किस स्क्रिप्ट में लिखे, ये हमारा मर्जी है भाई, हमको सोच दीजिएगा। ये आप तो नहीं बोलेंगे ना ये लैंग्वेज, तो आप क्यों यहाँ पर बैरियर है कि ये से मत लिखिए, इससे आप लोग लिखो, ये कौन सी बात हुई? अरे हमको हमारा लैंग्वेज हमको लिखने दो, हमको डिसीजन लेने दो, है कि नहीं। तो ये